ये देहरादून से मसूरी जाने वाली नागपुर रोड आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि यूनिसन जो यहाँ पे स्कूल है प्रतिष्ठित, उस स्कूल का एक बोर्ड है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगने के बाद यहाँ पे जो सड़क नीचे जाती है ये सरकारी सड़क है, और बताया जाता है कि ये जो भूमि है ये वन विभाग की है, रिजर्व फॉरेस्ट में ये जगह आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूनिसन स्कूल ने यहीं पे बैरियर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क में बैरियर यहाँ पे डाला हुआ है, और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड तैनात किया हुआ है। ये सड़क पूरी तरीके से सरकारी सड़क है और करोड़ों की लागत से यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा है, जबकि यूनिसन स्कूल की दादागिरी ये है कि उसने सरकारी सड़क पर ही यहाँ पे बैरियर डाल दिया है और एक गार्ड यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं गार्ड यहाँ पे तैनात है। एक सड़क के किनारे यहाँ पे एक बूथ भी बनाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है यूनिसन वर्ल्ड स्कूल रियलाइजिंग हर पोटेंशियल। शायद ये पोटेंशियल इनका जो है वो पैसे का पोटेंशियल है, जिसके बल पे यहाँ पर इन्होंने गार्ड तैनात करके एक सरकारी सड़क को बंद कर दिया है। आप बताएं जो ये सड़क बंद की है ये किसने करवाई है, बताइए आप प्लीज। जब हम आए थे आपने हमें रोका था, किसके कहने पे रोका था? अरे सभी मेरी क्यों नहीं बना रहे आप? तो आप देख सकते हैं कि गार्ड क्योंकि छोटा कर्मचारी है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सामने आपको बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है वो यूनिसन स्कूल की है। वहाँ से जो नीचे सड़क आती है, एक ये जो नीचे पुल का निर्माण हो रहा है ये भी इसी स्कूल के लिए बनाया जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये सड़क केवल एक स्कूल के निजी स्वार्थ के लिए बनाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि मौजूदा सरकार में जो PWD मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के अधीन है, और जब मुख्यमंत्री के विभाग में ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा हो तब आप क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं, तमाम होटल बने हुए हैं, और यहाँ से लोग नीचे अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत स्कूल यहाँ पे रास्ता बंद करवा देता है, जिसको पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं। जागो उत्तराखंड के लिए देहरादून से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।